काफी समय से चर्चा चल रही थी कि अमर सिंह सागर की गाड़ी पर लगा हुआ था क्षेत्र प्रभारी का तमगा, जो कि अमर सिंह सागर ने सबके मुंह पर तमाचे मारते हुए साबित कर दिया कि उनको क्षेत्र प्रभारी का प्रभार मिला हुआ है, जो कि प्रदेश के अध्यक्ष कौशल किशोर जी द्वारा उनको एक प्रशस्ति पत्र दिया गया है, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अमर सिंह सागर को क्षेत्र प्रभारी अनुचित मोर्चा का बनाया गया है। विरोधियों के मुंह पर तमाचा मारते हुए ये प्रशस्ति पत्र अमर सिंह सागर ने प्रेस वार्ता में दिखाया तथा उन्होंने ये भी कहा कि बहुत जल्दी ही वो समाज की एक बैठक कर समाज का एक अधिवेशन करने वाले हैं, जो कि कोई भी जगह निश्चित नहीं है। बहुत जल्दी ही समाज के लोगों को अपने साथ जोड़ेंगे और समाज के लोगों के हर किसी तरीके से सहायता करेंगे। अगर आपके साथ वो आना चाहते हैं तो आप उनको अपने साथ जोड़ेंगे? बिल्कुल जोड़ेंगे, उनके सहयोग से काम करेंगे, उनके साथ जुड़ के उनकी सलाह से सब काम उनकी सलाह से होगा। महानगर का भी सम्मान करते हैं, जिले का भी सम्मान करते हैं, प्रदेश अध्यक्ष जो है उनका भी हम सम्मान करते हैं। हम सारे दलित समाज को जोड़ेंगे, जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करेंगे। उनकी सलाह से ही सब काम होगा, बगैर सलाह के उनके कोई काम नहीं होगा। और जो भी मुझे दातों मिलेगा संगठन, तो अभी संगठन का कोई कार्य नहीं चल रहा है, ना ही कोई संगठन में कुछ बनाया जा रहा है। जब संगठन में दातों मुझे मिलेगा कोई भी, तो उसके लिए मैं सारे लोगों के साथ लेकर के ही चलूंगा। अगर सभी की सलाह होगी तो करेंगे, दलित सम्मेलन करेंगे या बिजनौर करेंगे, इन्हीं जगह में दलित सम्मेलन करना चाह रहा हूँ मैं।